सो क्या निंजा टीम ओमेगा से ही कंटिन्यू करने वाले हैं या वो कौन सी टीम ज्वाइन करेंगे उस पर वो रिप्लाई करते हैं। साथ में हेक्टर यहाँ पे रिप्लाई करते हैं क्या वो लोगों का फ्यूचर प्लान होने वाला है। तो आपको बताया अभी एपीएल का टूर्नामेंट चल रहा था विंटर शोडाउन जो कि खत्म हो चुका है और टीम ओमेगा बन चुके हैं विनर्स। तो भाई क्या ही ये लोग खेले एक पॉइंट से और सेकंड पे WSB आए थे। अगर आप लोगों को पूरा स्टैंडिंग देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जाकर चेक कर लेना। अब उसमें चैंपियन टीम मतलब टीम ओमेगा और जिसमें निंजा जॉर्ड भी थे वो लोग का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में हेक्टर और निंजा जॉर्ड आते हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था कि क्या वो लोग का फ्यूचर प्लान है, निंजा कौन सी टीम से कंटिन्यू करने वाले हैं। एक क्वेश्चन था कि क्या वो टीम ओमेगा के साथ ही खेलेंगे आगे, तो निंजा जॉर्ड बताते हैं नहीं, दूसरी टीम में वो जाने वाले हैं। तो हम लोग को जितना पता है, जितना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निंजा जॉर्ड शायद से जाने वाले हैं टीम एक्सिस पार्क में, क्योंकि और कोई टीम बची नहीं जहाँ पे वो जा सकते हैं क्योंकि वह लगभग टीम फुल ही है। टीम एक्सिस पार्क में एक प्लेयर चाहिए और स्काउट ने भी कल एक हिंट दिया था जो कि देख सकते हो, स्टोरी लगाए थे जहाँ पे लिखे TX फोर्थ प्लेयर एंड निंजा हथौड़ी का एक पीछे फोटो है। तो जितना मुझे पता है टीम एक्सिस पार्क में ही आने वाले हैं निंजा जॉर्ड। एंड फिर साथ में हेक्टर जब आए थे तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि वो लोग का क्या फ्यूचर प्लान होने वाला है, कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। तो हेक्टर ने बताया अभी कुछ सोचे नहीं है, अभी यहाँ पे ओमेगा के साथ यहाँ पे वो लोग बातचीत करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो लोग कौन से लाइनअप से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या वो कोई न्यू प्लेयर लेंगे। जितना मुझे पता है कोई न्यू प्लेयर तो नहीं लेने वाले हैं, बस कौन सी ऑर्ग ज्वाइन करना है वो डिसाइड करेंगे ये लोग। जितना न्यूज़ है कार्निवल ईस्पोर्ट्स शायद ज्वाइन करेंगे बट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, जब कन्फर्म हो जाएगा मैं आप बता दूंगा। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।